खबर उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत से। पीलीभीत के बीशलपुर क्षेत्र में गांव लला और गुजरानपुर से करोड़ों की लागत से बनाया जाएगा पुल। भाजपा विधायक विवेक वर्मा के अथक प्रयास के बाद स्वीकृत हुआ पुल। विधायक निधि से होगा पुल का निर्माण। पुल निर्माण से देवा नदी के आसपास के ग्रामीणों को मिलेगी राहत की सांस। बरेली और पीलीभीत का रास्ता भी पुल निर्माण से होगा सुगम। टिकरी के आसपास के ग्रामीणों के लिए बरेली हुआ चंद कदमों की दूरी पर। लला और गुजरानपुर में पुल बनने से बहेगी क्षेत्र में विकास की गंगा। 23,22,00,000 की लागत से बनाया जाएगा पुल। बीजेपी विधायक ने यूपी अपडेट से वार्ता के दौरान दी पूरी जानकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी यूपी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत की बीसलपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में विकास के नाम पर बाबू तेज बहादुर के बाद पूर्व विधायक रामशरण वर्मा का विकास के लिए नाम गिना जाता था, लेकिन अब उनके पुत्र विवेक वर्मा भी क्षेत्र में विकास के पत्थर लगवाने से पीछे नहीं हट रहे। आपको बता दें, भाजपा विधायक विवेक वर्मा के अथक प्रयास के बाद विधानसभा क्षेत्र के गाँव लला और गुजरानपुर में करीब 23,00,000,000 की लागत से पुल निर्माण कराया जाएगा। भाजपा विधायक इसको बड़ी उपलब्धि में गिनाते हुए बताया कि करीब 5 पुलों के लिए शासन में स्वीकृति दी थी, जिसमें 23,22,00,000 रुपए की लागत पर यह पुल स्वीकृत हुआ है। उन्होंने बताया कि देवा नदी पर पुल बनने से यातायात सुगम हो जाएगा। वहीं आसपास के क्षेत्र के बाशिंदों के लिए पीलीभीत बीसलपुर बरेली भी चंद कदमों की दूरी पर रह जाएगा। उन्होंने बताया क्षेत्र में विकास का पुल कारगर होकर रहेगा। बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में कई पुल को लेकर आपने उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र दिए थे, क्या कुछ हुआ उसमें? बीसलपुर विधानसभा में इससे पहले हमसे पहले हमारे पिताजी विधायक थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में 16 पुल बनवाए थे जो कि एक रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश में। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हमने भी पुल के लिए अपने शासन में पैरवी की। मेरे भी 5 पुल पड़े हुए, उनमें से मेरा एक पुल आज स्वीकृत हुआ जिसका जीओ जारी हो गया, जिसकी लागत 23,22,23,000। ये पुल बनेगा ललौर गुजरानपुर और टेहुलिया के बीच में जी। इस पुल से लगभग कितने क्षेत्र के ग्रामीण प्रभावित रहेंगे? पहली बात तो ये पुल पीलीभीत जनपद बरेली जनपद को जोड़ने का काम करेगा। पहले ललौर गुजरानपुर के जो लोग आया करते थे बीसलपुर, आते थे चुर्रा सकतपुर होके पीलीभीत जाते थे, तब चुर्रा सकतपुर होके, अब उनकी दूरी कम से कम 25 किलोमीटर का फर्क पड़ गया। अब उन्हें पीलीभीत जाना है तो सीधे टिकरी होके निकल जाएंगे जी। उनकी इतनी पेट्रोल खर्चा बढ़ेगा, बचत होगी। धन्यवाद।